भारत बनाम श्रीलंका के बीच तीसरा और आखिरी एक दिवसीय मुकाबला 23 जुलाई को भारतीय समय अनुसार 3 बजे से खेला जाएगा। भारत इस वक्त सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाए हुए है और साल 2017 के बाद से एक बार फिर श्रीलंका को उन्हीं की सरजमीं पर क्लीन स्वीप करने का अच्छा मौका है। लेकिन अब मैच से पहले एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन अपने घुटने की चोट से पूरी तरह उभर गए हैं और अब मेडिकल टीम ने उन्हें फिट घोषित भी कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि श्रीलंका के खिलाफ आखिरी वनडे मैच में संजू सैमसन को मौका मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर संजू सैमसन को मौका मिलता है तो किसे टीम से बाहर किया जाएगा, क्योंकि ईशान किशन जिन्होंने अपने पहले ही एक दिवसीय मुकाबले में अर्धशतक लगाया था तो टीम उन्हें बाहर नहीं करेगी और ना ही सूर्य कुमार यादव को टीम से निकाला जा सकता है। ऐसे में निशाना मनीष पांडे की ओर ही जाता है क्योंकि वो काफी लंबे समय से फॉर्म में नहीं है और न ही उन्होंने इस सीरीज में कुछ खास प्रदर्शन करके दिखाया है। तो ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि टीम मैनेजमेंट मनीष पांडे की जगह संजू सैमसन को मौका दे सकती है। बता दे कि अगर संजू सैमसन को खेलने का मौका मिलता है तो ये उनका पहला ही एक दिवसीय मुकाबला होगा। हैरानी होती है कि संजू ने अपना पहला T20 मैच जिम्बाब्वे के विरुद्ध साल 2015 में खेला था पर अब तक उन्हें वनडे में एक भी मौका नहीं मिला है। संजू सैमसन वैसे तो IPL में अच्छा प्रदर्शन करते हैं मगर भारत के लिए अभी तक उनके आंकड़े अच्छे नहीं हैं। उन्होंने 7 मैचों में लगभग 12 की औसत से मात्र 83 ही रन बनाए हैं, जो ये बताता है कि वो अभी तक दिए गए मौके पर खरे नहीं उतर।